अब देखो जो हमारे बेड फॉर्म्स है कि कौन से टाइप के बेड फॉर्म बनेंगे, वो नेचर में तो हमको देखने को मिलते ही है, लेकिन नेचर में जाके देखना किसी रिवर के नीचे जाके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है ना, कि रिवर में नीचे जाओ फिर देखो वहां पर क्या हो रहा है। तो थोड़ा हमारे कंफर्ट के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, ये एक्सपेरिमेंट बताते हैं। तो एक बड़ा सा रूम लेते हैं, इसमें एक बड़ा सा एक्वेरियम बनाते हैं, और इसमें फैसिलिटी क्या होती है, आप यहां पर पानी का एक वेलोसिटी दे सकते हो, ठीक है, पानी का वेलोसिटी दे सकते हो। तो एक बड़ा सा एक्वेरियम, लंबा सा एक्वेरियम लेते हैं, और इसमें आप पानी यहां से वहां दे सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, यहां पर सेडिमेंट्स डाल सकते हो, ठीक है, तो सेडिमेंट वगैरह डालोगे और यहां पर पानी तेजी से चलाओगे, तो यहां पर बेड फॉर्म में क्या चेंज आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ाने से क्या हो रहा है, घटाने से क्या हो रहा है, कौन से पार्टिकल चले जाते हैं सस्पेंशन में, कौन से सेटल हो जाते हैं, ये सब जो समझने के लिए आपको ये काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो ऐसे टाइप के एक्सपेरिमेंट्स को कहते हैं फ्लूम एक्सपेरिमेंट्स। क्या कहते हैं इनको, फ्लूम एक्सपेरिमेंट्स। तो इसके लिए आपको अगर कुछ चीजें देखनी हो कि कैसा टाइप का शेप, कैसा टाइप का बेड फॉर्म बन रहा है, क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, तो रिवर के नीचे जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप यहाँ पे आराम से बाहर खड़े होकर रिमोट कंट्रोल से आप वेलोसिटी चेंज करो और यहाँ पे आराम से देखो कि क्या चेंज हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये हम एक चेंबर बनाते हैं, इससे हम फ्लूम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो सेडिमेंटोलॉजी में कई सारे जो बेड फॉर्म्स वगैरह कैसे बनते हैं, रिपल्स बनते हैं कि नहीं, उसमें स्ट्रॉन्ग वेदर कंडीशन है तो उसमें जो वेव्स आ रहे उसके वजह से क्या बनेगा, ये सब आप यहाँ पर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे आने वाले जो हमारे कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो फ्लूम एक्सपेरिमेंट से पता की गई है, ठीक है। तो क्या पता करते हैं हम फ्लूम एक्सपेरिमेंट से, जैसे ये, ठीक है, अब ये ग्राफ को समझते हैं। यहां पर ये यहां पर इसी एक्सपेरिमेंट से आया है, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि कौन सी वेलोसिटी पे कौन सी चीजें सेटल होगी है, कौन सी चीजें इरोड होगी, ये समझने के लिए हमने फ्लूम एक्सपेरिमेंट में डाला। तो वहां पर हम लोग अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट करके देखे और उससे कुछ रिजल्ट जनरेट किए। अब आराम आराम से समझते हैं, पूरे को एक साथ समझने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बताता रहा हूँ उतनों को आराम आराम से फॉलो करते चलेंगे, पूरे को कवर कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर क्या किया है, वाई एक्सिस पे हमने रखा है फ्लो वेलोसिटी को, तो हम बहुत ही कम वेलोसिटी से बहुत हाई वेलोसिटी से जा सकते हैं, बराबर, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे हमने रखा है पार्टिकल साइज, एमएम में भी रखा हुआ है, और हम क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल वगैरह जो रखा हुआ है उस हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि बहुत ही हाई वेलोसिटी है, वहां से आपने स्टार्ट किया, बहुत हाई वेलोसिटी रखा, तो अगर आपने बहुत हाई वेलोसिटी रखा है तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि जैसे हिमालय में कोई रिवर है एकदम बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, तो बड़े बड़े पत्थर वगैरह सब ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, इतने बड़े बड़े पत्थर है सब ट्रांसपोर्ट हो जाता है एकदम, उसमें अगर बाढ़ आई हुई है तो बहुत तेज फ्लो हो रहा है, सब फ्लो हो जा रहा है, जो जो डालो सब फ्लो होके चला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमारी मान लीजिए कि वेलोसिटी बहुत हाई है, ठीक है, बहुत हाई वेलोसिटी है, तो क्या होगा कि ऑलमोस्ट पेबल कॉबल जितना भी है, मान लीजिए कि ये लगभग 100 सेंटीमीटर इतना इतना साइज का भी है, वो भी सब ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो कोई भी चीज सेटल नहीं होगी। तो पहले हम सेटलिंग वेलोसिटी कर्व को देख रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी चीज सेटल नहीं होगी। फिर क्या है कि हमने मान लीजिए वेलोसिटी थोड़ी सी ड्रॉप करवाई, ठीक है, तो यहां पर जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो वेलोसिटी ड्रॉप हो रही है, तो जैसी हमारी वेलोसिटी ड्रॉप होगी तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर पेबल कॉबल मतलब कि 1 सेंटीमीटर के ऊपर की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगेगी। तो जैसे इसके नीचे आ जाते हो आप, मतलब वेलोसिटी कम कर रहे हो, तो यहां पर ये ग्रेन साइज डिपॉजिट होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसके नीचे आ जा रहे हो, जैसे इस कर्व के नीचे आ जाओ तो ये चीज डिपॉजिट होगी। फिर हम क्या देखेंगे, अगर पेबल साइज देखा हमने 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर लगभग इतना इतना बड़ा बड़ा अगर आप पार्टिकल देख रहे हो, अगर इतनी वेलोसिटी कम हो गई, इससे क्रॉस कर दिया आपने, तो ये भी सेटल हो जाएगा,
फिर आपने और ज्यादा वेलोसिटी कम की, तो 1 mm का जो है, 1 cm की जो चीज है, 10 mm वाली जो चीज है, वो भी नीचे सेटल कर जाएगी इस वेलोसिटी पर। ठीक है, और आपने वेलोसिटी ड्रॉप कर दी, तो फिर 1 mm का जो सैंड है वो भी डिपॉजिट कर रहा है। और आपने वेलोसिटी ड्रॉप कर दी, मान लीजिए कि 1 cm/s, मतलब 1 सेकंड में 1 cm टाइप जा रहा है, तो बहुत स्लो है, उसमें लगभग 0.1 mm, मतलब सिल्ट के एकदम पास पहुंच रहे हो, वो भी डिपॉजिट हो रही है। और एकदम आपने एकदम ही वेलोसिटी एकदम 0.01 कर दिया, एकदम कम कर दिया, तो आपका शायद और भी फाइन पार्टिकल है वो डिपॉजिट कर सकते हो। अच्छा, जो एकदम फाइन पार्टिकल होता है ना, बहुत फाइन, 0.001 mm के जो है क्ले साइज पार्टिकल, इनको सेटल करना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा कि मतलब ये नेकेड आई से दिखता भी नहीं है, ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल से सेटल होता है, ये सस्पेंडेड फेज में ही रहते हैं। ठीक है, सेटल हो जाएंगे तो कब होंगे, गलती से अगर कहीं एकदम ओशियन वगैरह में पहुंच गए, फ्लॉक्यूलेशन वगैरह हो गया, फ्लॉक्यूलेशन मतलब बैक्टीरियल एक्टिविटी वगैरह हो गया, एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल जुड़ गया, वैसे करके सेटल हो गए तो हो गए, तो एकदम डीप ओशियन में जाके ये सेटल होते हैं, जहां पर कोई वेलोसिटी होती ही नहीं है ज्यादा। बाकी अगर रिवर्स वगैरह की बात करो, तो वहां पे क्ले पार्टिकल जो है उसको सेटल कर ही नहीं सकते, एक्चुअली हवा में भी सेटल नहीं होता, अगर हवा में भी देखोगे तो यहाँ पर भी क्ले साइज पार्टिकल उड़ता ही रहता, तो उसको आप सेटल नहीं कर सकते इसलिए। ठीक है, तो बहुत मुश्किल से बहुत देर बाद जाके सेटल करता है, तो ऑब्वियसली वो एक्सपेरिमेंट में उतना टाइम नहीं होता पता करने का, तो वो यहाँ पर उनका दिखाने सिल्ट तक आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये जो कर्व है, येलो कलर का जो कर्व है, ये बेसिकली बता रहा है कि जैसे जैसे आप वेलोसिटी कम करते जाओगे, वैसे वैसे चीजें सेटल होती जाएगी। तो सबसे पहले जो हैवी है वो सेटल हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे फाइनर जो है वो सेटल होता जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर बीकर में आपने बहुत सारा सेडिमेंट्स और पानी लेके घुमा दिया, तो जो हैवी वाला वो पहले डिपोजिट करता है, उसके बाद धीरे धीरे जो फाइनर है वो डिपोजिट करता है। भले ही पानी क्लियर हो जाता है, लेकिन उसमें क्ले साइज पार्टिकल रहता है, ठीक है, तो वो डिपॉजिट करना बहुत मुश्किल है। लैब में हमने ट्राई भी किया था, तो उसके लिए फिर आपको सेंट्रीफ्यूगल वगैरह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, सेंट्रीफ्यूज में बिठा के तब जाके वो सेटल होता है, बाकी सेटल करना उसको बहुत मुश्किल है। तो ये समझ में आ गया कि ये कर्व क्या है, ये सेटलिंग वेलोसिटी कर्व। तो ये क्या बताता है कि अगर आपने ऊपर से स्टार्ट किया, इससे कम वेलोसिटी हो गया, तो ये साइज का पार्टिकल, ये साइज का पार्टिकल क्या है, 100 है, इससे कम वेलोसिटी हो गया तो ये सेटल हो जाएगा। ठीक है, यही कर्व को यहां पर क्या मतलब है कि अगर आपकी वेलोसिटी आप धीरे धीरे कम कर रहे हो, तो 10 mm का जो पार्टिकल है वो सेटल हो जाएगा, इस तरीके से सेटल हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है सबको यहां तक? किसी को और किसी को कोई प्रॉब्लम? सर, अगर यस हमने जो वेलोसिटी है वो सडनली डिक्रीज कर दिया तो जो ये कर्व है उसका स्लोप चेंज होएगा कि सेम रहेगा? नहीं, देखिए आपका क्वेश्चन ये है कि अगर सडनली वेलोसिटी डिक्रीज कर दिया तो क्या इस ग्राफ का स्लोप चेंज हो जाएगा? ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि कौन सी वेलोसिटी पे कौन सा साइज ऑफ पार्टिकल सेटल करेगा, बस इतना बता रहा है। ठीक है, अब मान लो कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, मान लो कि धीरे धीरे आपने यहां तक वेलोसिटी लेके गए, और उसके बाद सडनली आपने वेलोसिटी एकदम 1 पे लेके आ गए, कर सकते हो ऐसा एक्सपेरिमेंट? वैसे आप 100 से 1 करोगे तो बीच में 10 तो आ ही जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली सडनली तो कुछ होता नहीं है, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूम है ना, कहीं पर भी अगर 100 to 1 करोगे तो बीच में वो आ ही जाएगा। लेकिन लेट्स से थियोरेटिकली अगर आपने ऐसा कर दिया कि आपकी वेलोसिटी 100 cm/s से और अचानक 1 cm/s कर दिया, यही क्वेश्चन आपका? यस सर, ओके, तो क्या होगा, तो जब तक आप 100 कर रहे हो, ठीक है, तब तक धीरे धीरे ये सब चीजें डिपॉजिट होगी। ठीक है, अब थियोरेटिकली मान लो कि आपने 100 से सीधा जंप कर दिया 1 पे, तो क्या हो जाएगा? तो ये जितने साइज ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक जितने भी है, ये सारे सस्पेंशन फेज में थे, और जैसे ही आपने वेलोसिटी ड्रॉप कर दी 1 पर, सीधे के सीधे के जितने भी साइज ऑफ पार्टिकल जो सस्पेंशन में थे सब डिपोजिट होके नीचे आ जाएंगे। सही बात है जी जयदीप? सर,
तो सारे के सारे ये थियोरेटिकली अगर आपने 100 से 1 कर दिया, पॉसिबल तो नहीं है लेकिन 100 से 1 अगर कर दिया, तो ये जितने भी पार्टिकल यहां से लेके यहां तक जितने भी थे जो पहले सस्पेंशन में थे और कब अब तुमने वेलोसिटी ड्रॉप कर दिया, तो सारे के सारे सेटल हो जाएंगे नीचे, बराबर। ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक ग्राफ ये बता रहा है कि कौन से वेलोसिटी पे कौन सी चीजें सेटल होती है। तो एक्चुअली अगर आप इसकी बात करो, 1 mm की बात करो, तो सेटल कहाँ होती है? ये सेटल होती है जब 10 cm/s वेलोसिटी अचीव होती है, उसके नीचे सेटल होती है। तो ये ग्राफ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। सर, व्हेन इट इज रिड्यूस्ड टू फ्रॉम 100 to 1, सैंड टू ग्रेवल साइज पार्टिकल गेट डिपोजिटेड, इज इट? यस, सो ही इज मेकिंग अ थियोरिटिकल केस दैट इफ वी ड्रॉप द वेलोसिटी लेट्स से फ्रॉम 100 cm/s टू 1 cm/s, देन व्हाट विल हैपन, विल द ग्राफ चेंज? आई एम सेइंग दैट द ग्राफ विल नॉट चेंज, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आई एम टेलिंग हिम दैट टिल यू ड्रॉप टिल दिस पॉइंट ऑल दिस विल सेटल, यू आर सेटलिंग फ्रॉम, यू आर कमिंग फ्रॉम लेट्स से 1000 cm/s टू 100 cm/s, एंड नाउ यू सडनली ड्रॉप द वेलोसिटी फ्रॉम ओवर हियर over here, then what you will see is all these particles will settle down. But obviously that will not have any effect on this graph because graph is telling you at what velocity what should get settled. Okay? All right. ये तो हो गई सेटलिंग की बात। सर, यस व्हेन द वेलोसिटी इज लेस देन 1, हियर सिल्ट इज स्टार्टिंग सेटलिंग, यस यस यस, सो इफ यू फॉर एग्जांपल इफ यू लुक ओवर हियर, इफ इट द वेलोसिटी टचेस 1 cm/s देन 0.1 mm पार्टिकल विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग, सो इफ यू टेक इट ओवर हियर एट दिस पॉइंट, लेट्स से यू आर ड्रॉपिंग द वेलोसिटी एंड यू आर कमिंग टू समवेयर अराउंड 90 cm/s, देन 10 mm पार्टिकल विल सेटल, दैट इज द सेटलिंग वेलोसिटी का। ओके विष्णु, आर वी गुड? ओके ओके सर, सो दिस कर्व इज टेलिंग यू एट व्हाट वेलोसिटी व्हाट साइज ऑफ पार्टिकल विल डिपोजिट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, सो दिस इज, ये जो पॉइंट मिल रहा है आपको, इन सबसे आपको मिलेगा सेटलिंग वेलोसिटी का। अब आपको ये देखना है कि सेम चीज अगर आप करो, लेट्स से एक एक्सपेरिमेंट सोचते हैं, ठीक है, बस जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं ये चीज, ठीक है। मान लीजिए कि आप वेलोसिटी ड्रॉप कर रहे थे, ठीक है। अब यहां पर जो भी साइज ऑफ पार्टिकल था, आई डोंट नो, लेट्स सी क्या था, यहां पर 1 1 था, ये 1 था और ये 10 था, ओके, ठीक है। दिस वन इज 10 cm/s एंड दिस वन इज 1 mm, ओके। नाउ व्हाट डज दिस सेटलिंग वेलोसिटी कर्व टेल मी? कि अगर मैं वेलोसिटी धीरे 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 ड्रॉप कर रहा हूं, तो फिर 10 cm/s वेलोसिटी जब होगी, ऊपर था तो वेलोसिटी हाई थी, और जैसे मैं 10 cm/s वेलोसिटी पे आता हूं, तो फिर जो 1 mm का पार्टिकल है वो सेटल कर जाएगा इस पॉइंट पर। इससे ज्यादा और वेलोसिटी ड्रॉप करूं तो वो सेटल का सेटल ही रहेगा, ठीक है। तो मेरा जो पानी बह रहा था उसमें मैं अगर 10 सेंटीमीटर से कम वेलोसिटी मैंने कर दी, तो 1 mm का पार्टिकल जो है वो सेटल हो जाएगा। ये क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है, अभी मैं यहां पर हूं, ये वेलोसिटी अगर मेरी है लेट्स से समवेयर अराउंड 1 cm/s है, यहां पर ना हूं, यहां पर वेलोसिटी क्या है? 1 cm/s, ये वेलोसिटी है। मैं धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज करता हूं, मैं अगर इस पॉइंट पे रीच करता हूं, ये वाले पॉइंट पे अगर रीच करता हूं, ये पॉइंट क्या है? 10 cm/s, तो क्या मेरा पार्टिकल 1 mm का जो सेटल हुआ था 10 cm/s पे, क्या वो इरोड हो जाएगा या नहीं होगा?
द क्वेश्चन इज इफ आई एम एट दिस पॉइंट 1 mm पार्टिकल इज सेटल्ड ओवर हियर, नाउ आई एम इंक्रीजिंग द वेलोसिटी एंड आई कम टू 10 cm/s, विल द पार्टिकल गेट इरोडेड और नॉट? नो सर, नो सर, इरोड नहीं होगा। इरोड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इरोड? वेल टोली रोड आफ्टर 10 cm/s। ओके, तो महाराज इज सेइंग दैट इन ऑर्डर टू इरोडेड यू नीड स्लाइटली मोर एनर्जी देन 10 cm/s। ओके, एंड व्हाई इज दैट? ओके, क्वाइट, यू आर क्वाइट नियर। एनी अदर आंसर? व्हाई डू पीपल फील दैट यू नीड मोर एनर्जी? यस सर, 10 तक वो इक्विलिब्रियम में रहेगा और उसके बाद थोड़ा सा उसका इनर्शिया चेंज करने के लिए हम लोग को थोड़ा और चाहिए होगा एनर्जी। इनर्शिया चेंज करने के लिए थोड़ा सा और एनर्जी चाहिए, ट्रू। अभी हम भी थोड़ा टाइम पहले हम जब पढ़ रहे थे एंट्रेनमेंट, तो हमने बताया कि चीजों को एंट्रेन करना, लिफ्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जो चीज 10 cm/s पे सेटल कर रही है, अगर आप 10 नीचे से अगर आ रहे हो, वेलोसिटी इंक्रीज करते करते आ रहे हो और 10 cm/s पे आओगे, तो वो अभी इक्विलिब्रियम में है, जैसे कई लोगों ने बोला, इस पे तो वो सेटल ही हो गया था। अगर वो थोड़ी देर इसके लिए उठता भी है तो फिर से सेटल ही हो जाएगा वो, अगर उठ भी जाता है तो सेटल ही हो जाएगा वो, ठीक है। और किसी चीज को उठाने के लिए थोड़ी और एनर्जी लगती है, उसको लिफ्ट करने के लिए ड्रैग, आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी सी एयर एनर्जी लगती है। तो ये जो थोड़ी सी और एनर्जी लगती है वो आपको थोड़ा सा और ऊपर आना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे और ऊपर आना पड़ेगा और इस पॉइंट पे आना पड़ेगा, थोड़ा सा और एनर्जी लगेगा। जब इस पॉइंट पे आओगे तब जाके आप इरोड कर पाओगे। यू नीड टू कम फ्रॉम ओवर हियर टू हियर बिकॉज यू रिक्वायर सम मोर एनर्जी टू एंट्रेन द पार्टिकल्स, सो यू नीड अ लिटिल बिट मोर एनर्जी टू इरोड द पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? अब मान लो कि ऊपर से मैं नीचे आ रहा था, अगर मैं यहां पर हूं तो क्या होगा? मैं ऊपर से नीचे आया, मैंने इरोजनल कर्व छोड़ दिया, मैं उससे थोड़ा नीचे आ गया, तो क्या वहां पर सेटल हो जाएगा? सस्पेंशन में रहेगा ना वो सस्पेंशन में रहेगा, या तो फिर वो किसी तरीके से रोल हो रहा है, कुछ हो रहा है, या फिर सॉल्टेशन में है। उसको सेटल करने के लिए आपको और नीचे लेके आना पड़ेगा। जब सेटलिंग वेलोसिटी पर आएगा तब जाके वो सेटल होगा। ये चीज क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है? इज देयर एनी क्वेश्चन? लेट मी नो। तो कोई भी पार्टिकल को इरोड करने के लिए स्लाइटली मोर एनर्जी लगती है, ठीक है सर? मान लो इरोजन और एंट्रेनमेंट एक ही है ना? नहीं, इरोजन एंट्रेनमेंट एक क्यों है? एंट्रेनमेंट मतलब लिफ्ट करना होगा, इरोजन मतलब कि इरोजन एंट्रेनमेंट एक ही है। या यू राइट, इरोजन एंट्रेनमेंट एक ही है, इरोजन एंड एंट्रेनमेंट सेम थिंग। सो लेट्स से इसमें थोड़ा सा समझते हैं कि मान लो मैं नीचे से जा रहा हूं और पूरा यहां से ऐसे वापस आया, मान लो ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? बहुत लो वेलोसिटी से मैं हाई वेलोसिटी पे गया, हाई वेलोसिटी से फिर से मैं लो वेलोसिटी पे आया, तो कोई डिस्क्राइब कर सकता है कि क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट में? 1 mm पार्टिकल साइज की बात हो रही है, तो क्या होगा? जब मैं इधर नीचे हूं तो ऑलरेडी पार्टिकल सेटल्ड है, जैसे मैं ऊपर जाऊंगा और यहां पर पहुंचूंगा क्या होगा? सेटल्ड ही रहेगा। जब मैं यहां पे पहुंचूंगा तब जाके वो इरोड करेगा या एंट्रेन करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर रहूंगा, जितना हाई वेलोसिटी में रहूंगा वो यहां से लेकर यहां तक सस्पेंशन में ही रहेगा। जैसे ही मैं इसके नीचे आता हूं क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सस्पेंशन में ही रहेगा। जब मैं यहां पर इस पॉइंट पर आके ये पॉइंट पर आ जाऊंगा
यहां से लेके यहां तक पूरे में ये सस्पेंशन में ही है। फिर जैसे इस पॉइंट के नीचे जाऊंगा, यहां से लेके यहां तक ये सेटल्ड ही है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? सेटलमेंट कर्व क्या है, इरोजनल कर्व क्या है। अब हर पार्टिकल के लिए एंट्रेन करने के लिए थोड़ा सा हाई वेलोसिटी लगता है, ठीक है? यहां से यहां भी जाऊं तो थोड़ा सा हाई वेलोसिटी लगता है, यहां से यहां भी जाऊं तो हर, तो इसीलिए ये हर पॉइंट को अगर मैं जोड़ देता हूं तो इससे मुझे क्या मिल जाता है? इरोजनल कर्व मिल जाता है, ठीक है? इरोजनल वेलोसिटी कर्व मिल जाता है। तो ये क्या बता रहा है? जैसे जैसे मैं हाई वेलोसिटी पे जा रहा हूं तो वैसे वैसे मेरे हैवी पार्टिकल जो सेटल्ड है वो भी इरोड हो जाएंगे, या फिर इन अदर वर्ड्स हैवी पार्टिकल्स को इरोड करने के लिए हाई वेलोसिटी चाहिए। तो ये कर्व जो है ऐसे जा रहा है, ठीक है? बिल्कुल जैसे ये जा रहा है वैसे ही, बस इसके थोड़ा सा और ऊपर है, क्योंकि चीजों को इरोड करने के या एंट्रेन करने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। ओके, यहां तक तो क्लियर है। अब ये जो इरोजनल कर्व है ये ऐसे जा रहा था, यहां आके ऐसे क्यों हो जा रहा है? तो जो मेरे फाइनर साइज पार्टिकल्स थे उधर आके ऐसे क्यों मुड़ जा रहा है? ऐसे ही जाना चाहिए था थियोरेटिकली, तो ऐसे ऊपर क्यों चला गया? और जितना फाइन होते जा रहा है और ज्यादा इरोजनल कर्व वेलोसिटी लग रही है। ये क्या बता रहा है? इरोजनल वेलोसिटी कर्व क्या बता रहा है? कि अगर मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूं और पार्टिकल ऑलरेडी सेटल्ड है तो यहां जाके इसको इरोड कर पाऊंगा, यही कह रहा है ये? इनका कहना यही है कि अगर नीचे ऑलरेडी सेटल्ड है और मैं अगर वेलोसिटी इंक्रीज करते जाऊंगा तो यहां जाके इरोड करेगा। क्यों इतना ज्यादा वेलोसिटी क्यों लगेगा? सर 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 पार्टिकल जो सर वाटर कौन? मॉलिक्यूल जो ओके, होता है सर, शायद वो छोटा रहता है उससे, वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल का साइज जो है वो क्ले के साइज से शायद कुछ का साइज तो क्ले पार्टिकल से छोटा ही होता है, वो तो सैंड से भी छोटा होता है, ग्रेवल से भी छोटा ही होता है। तो सर उस वेलोसिटी पे शायद वो उसी जगह पे घूम रहा होगा वो पार्टिकल। नहीं, और हमने अभी अभी डिस्कस भी किया, जैसे प्रदीप आपने क्या बताया, सर सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से कौन सा फोर्स लगेगा? कोहेसिव फोर्स लगेगा पार्टिकल और पार्टिकल्स के बीच में। तो अगर आपके क्ले पार्टिकल्स बहुत सारे रहेंगे, राइट, ज्यादा रहेंगे तो कलेक्टेड फॉर्म में रहेंगे, तो वो मतलब कलेक्टेड फॉर्म में रहने की वजह से ज्यादा कोहेसिव फोर्स तो लगे, बिल्कुल। तो बहुत सारे अगर फाइन पार्टिकल साथ साथ में है तो उनका क्या है कि कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि उनका सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है, तो उनको इरोड करने के लिए आपको और ज्यादा एनर्जी लगती है। समझ में आया सबको? तो जितने फाइन पार्टिकल्स है, जितने आप यहां से और फाइन करते जाओ, तो यहां पर कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? कोहेशन काम कर रहा है। जितना ज्यादा कोहेशन होगा उतना ज्यादा डिफिकल्ट है उसको एंट्रेन करना, उतना ज्यादा डिफिकल्ट है उसको इरोड करना, ठीक है? समझ में आया सबको? क्लियर है ये चीज? ओके, इसी को हम लोग बोल रहे हैं, जैसे किसी ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसको हुलस्ट्रॉम इफेक्ट बोलते हैं, ये हुलस्ट्रॉम इफेक्ट, ठीक है? तो ये जो फाइनर साइज पार्टिकल होता है उसको इरोड करने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगता है। सबसे बड़े पार्टिकल हो सकता है अगर आप यहां से, मतलब मान लीजिए कि एकदम क्ले साइज का पार्टिकल है, उसको इरोड करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए और इसको इरोड करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, वो लगभग सेम हो सकता है। मतलब ग्राफ तो यही कह रहा, सही हो आप? कलेक्टेड तभी सपोर्ट उतना लगेगा।
हाँ कलेक्टिव रहेंगे तो ही, नहीं मतलब वो तो कलेक्टिव है उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। मान लीजिए कलेक्टिव नहीं भी है, ठीक है, वो छोटा पार्टिकल है किसी बड़े पार्टिकल के साथ चिपक के बैठा हुआ है, वो भी उसको इरोड नहीं कर, मतलब वहां से उसको नहीं उठा पाओगे, हो सकता है कि पूरी चीज उड़ जाए लेकिन उसको अलग नहीं कर पाओगे, उसको अलग करने के लिए उतनी वेलोसिटी चाहिए, समझ लो।